नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हमारी ये वीडियो इस बात पर डेडिकेट है कि क्या आपको ये पता है कि शेयर मार्केट बना क्यों है, इसका मेन मोटिव क्या है और किससे इससे फायदा है, किसको यहाँ पर आना चाहिए और किसको यहाँ पर नहीं, सारी चीजें। मतलब अगर आपको पता है ना कि शेयर मार्केट क्यों बना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, हमें भी पता लगे ना आपको कितना जानकारी है, और नहीं पता है तो ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट में आना चाहते हैं या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स आपकी हेल्प इस कदर करेगा कि आप लॉस नहीं देखेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी और आप टाइम टू टाइम ट्रेड ले पाएंगे। डेफिनेटली आप 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। बस कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखता होगा और आप यहां से पैसा बना पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप यहां से ऐप डाउनलोड करके कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर हम बात करें शेयर मार्केट क्यों बना है। तो शेयर मार्केट बना है रियलिटी में आप जैसे रिटेल ट्रेडर या फिर इन्वेस्टरों के लिए नहीं, ये शेयर मार्केट बना है बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए। क्योंकि जब हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं और बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। और एक टाइम आपने अपनी जेब का सारा पैसा लगा दिया, अब उसके बाद आपको और पैसा चाहिए, तो अब आपके पास दो ऑप्शन बनेंगे, या तो किसी से उधार लें या फिर लोन लें। अब देखिए उधार वाले में क्या है, आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और लोन वाले में क्या है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो शेयर मार्केट कैसे काम करेगा कि वहां पर आप जितना भी पैसा लेंगे इन्वेस्टर, जैसे कि अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो मैंने सिर्फ उसमें एक हिस्सेदारी खरीदी और बदले में पैसे दे दिए, तो अब ये पैसा टोटली इंटरेस्ट फ्री है, इस पर कोई कंपनी को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा और ना ही कंपनी के सर पर कोई दर्द है कि यहाँ पर मैंने किसी से पैसा लिया है। और वही चीज यहाँ पर काम करती है मार्केट के अंदर कि यहाँ पर किसी को कोई भी परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है, सीधे पैसा उठाया अपने बिजनेस में लगाया, अगर बढ़ेगा तो और भी ज्यादा यहाँ पर पैसा बनता चला जाएगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा और आगे चल के और पैसा उठाना होगा तो वो भी अच्छे प्राइस पर हमें मिल जाएगा। अगर वही चीज हम बैंक के साथ में जाते और वहां पर पैसा उठाते तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, किसी किसी बिजनेस में इंटरेस्ट पर पैसा लेना भी फायदेमंद है और किसी किसी बिजनेस में इंटरेस्ट पर ना लेकर के मार्केट से पैसा उठाना फायदेमंद है। आजकल जितने भी आप देखेंगे स्टार्टअप वगैरह चल रहे ना, वो कभी भी इंटरेस्ट पर पैसा नहीं लेंगे, वो सारे के सारे मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी महंगी है और मार्केट के अंदर तरह तरह के लोग मिलेंगे, किसी एक को नहीं समझाना है, तो इसलिए अलग अलग मेंटेलिटी यहाँ पर होगी, तो कोई ना कोई हमें यहाँ पर इन्वेस्ट कर ही देगा। अब वही चीज अगर आप बैंक में जाएंगे तो बैंक के एक उसमें कई लोग, दो चार लोग ही होंगे जो उस फाइल को रीड करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे और डिसीजन लेंगे कि हमें पैसा देना चाहिए इंटरेस्ट पर या नहीं, कंपनी चुका पाएगी या फिर नहीं, और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मार्केट के अंदर वो चीजें होती नहीं है और इसीलिए लोग मार्केट से पैसा उठाते। तो मार्केट बना है बड़े जो बिजनेसमैन है उनके लिए, जिससे कि वो पैसा मार्केट से उठा सकें और इंटरेस्ट फ्री अपनी कंपनी में लगा सकें, आगे चल के कोई परेशानी ना हो और बिजनेस बढ़ेगा तो हम यहाँ से कमा करके वापस शेयर बाय बैक भी कर सकते हैं, ऑप्शन है उनके पास, बाय बैक भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब यहाँ पर कंपनी मार्केट में आ जाती ना तो उसकी एक्चुअल वैल्यू और रियल चीजें सामने निकल के आती हैं, क्योंकि सारा डाटा पब्लिक करना पड़ता है, तो एक ट्रस्ट भी बनता है, तो इन्वेस्टर और भी जल्दी मिल जाते हैं, जैसे बल्क डील वगैरह आपने होते हुए देखा ही है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर ऐसी होती हैं, क्योंकि मार्केट एक ट्रस्ट का स्थान भी है, यहाँ पर ट्रस्ट है। अब आप में से कितने लोगों को ये चीजें समझ में आती हैं, पता है, और किस लिए मार्केट बनाए। अब हम आप क्या करते हैं, इसी में से मुनाफा बनाना चाहते हैं, आप मेरे हिस्से का लेना चाहते हैं, मैं किसी और के हिस्से का लेना चाहता हूं, बस यहां पर यही चलता है, उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, या फिर आप कहें इन्वेस्टिंग में भी ठीक है ऐसा ही, इन्वेस्टिंग में बस थोड़ा सा उलट है कि आप कंपनी के ऊपर पैसा लगाया, भूल गए कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी आपका फायदा, लेकिन उसमें भी क्या है कि आपने किसी ना किसी से तो वो शेयर खरीदे और आप भी जब बेचेंगे तो किसी ना किसी को तो बेचेंगी, तो सारी चीजें ऐसे ही काम करती हैं। अब आप बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना भूलिए मत कि आपको ये सब कुछ पता था, और बाकी सारी चीजें, सारी जानकारी मार्केट के बारे में A to Z हम और वीडियो में लेकर के आएंगे,
और कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली फायदा होगा, 100% गारंटी है मेरी।